हेलो, तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज इनके लिए आ रही है इनकी न्यू फ्रेंड। ये देखो कोसी कैसे घुस गई अंदर। तो आप कह सकते हो हमने आज पहली बार हम एक पेट की अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब क्योंकि वो आ रहा है उबर बाइक से। हमने एक गुड़गांव में है, वो एक फार्म है एनिमल्स का, वहाँ पर वो एनिमल्स मतलब उनकी खुद की ब्रीडिंग के होते हैं और वो शिप भी करते थे। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं वो कब आता है और उसको हम दिखाते हैं कि वो कैसी है, प्यारी सी। तो यार मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी तो मेरे से रहा ही नहीं किया और मैं इधर उधर घूम रहा था, भैया की वेट कर रहा था। तो यार फाइनली हमारा नया फ्रेंड आने वाला है, चलो फटाफट लेने चलते हैं। वो ऊबर से मेरे को भी नोटिफिकेशन आई है कि वो 2 मिनट में पहुंचने वाला है, तो रेडी रहते हैं, फटाफट ले आएंगे उसे। मैं वीडियो नहीं बनाया पाया नीचे जाके क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी। मैं आपको दिखाई देता हूँ वो कैसे आया बाइक पे। हेलो, देखो कितनी प्यारी है ये छोटी। तो अभी इनको हम मिलवाते हैं अपनी लोली कोसी से, तो चलो मिलवाएं। तो यार फाइनली अब हमने डेजी को, डेजी नाम रख दिया वैसे हमने इसका क्योंकि लोली कोसी और डेजी, हमने डेजी को डाल दिया इसकी टी शर्ट में। ये देखो डेजी को दिखा लगा डेजी। ये देखो कितनी प्यारी है, इसकी आंखों में काजल है ये वाली। ये देखो कितनी प्यारी है ये। और अभी इसको लोली कोसी के साथ भी हम करवाते हैं, मतलब मिलवाते हैं। तो यार ये देखो डेजी बहुत हैप्पी हो गई है लोली को देखते ही। इसने अभी कोई कोई भी की जैसे ये आवाज मारते हैं, लोली फ्रेंड है ना, वो ऐसे नहीं करते, तू तो अच्छी है, वो तो छोटी है अभी। ये देखो ये मिलके कितना खुश हो रहे हैं। लोली वो छोटी है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है तूने। हाँ, वेरी गुड गर्ल लोली। ये देखो डेजी भागना नहीं है, ये बहुत बहुत ये कोसी भी गई है पूरी, बहुत रनिंग है ये डेजी। नो डेजी चाट रही है पैर। नो, ये देखो ये पॉटी कैसे रंग की कर रही है डेजी। नो, ऐसे नहीं करते ना, अच्छी बच्ची है तू तो, कैसे कर रही है तू। तो अब डेजी और कोसी भी मिल गए हैं। ये देखो डेजी बैठ गई कोसी के नीचे, ये कोसी इसको प्यार कर रही है। डेजी नो, कोई आया गया, रुको मैं गेट खोलता हूँ। ये देखो तीनों कौएं कैसे बैठ गई, कोसी लोली और डेजी, बड़ी प्यारी हैं। अब मेरे को लग रहा है लोलू हमारा थोड़ा बड़ा है, डेजी देखो कितनी छोटी है, 2 महीने की है ये लोली, तो हो भी जाएगी नवंबर में 1 साल की। ये देखो डेजी अपना खाना खा रही है जो अपने डब्बे में लाई थी, भैया ने सारा इसका खाना वगैरह डाल के दिया था ताकि बाइक पे इसको भूख लगे, लेकिन बाइक पे में तो इसने खाया नहीं, अब खा रही है। ओए कैसे खा रही है देखो। तो अभी मैंने देखो डेजी को अकेले छोड़ दिया है अपने इसके केज में, जो अभी इसका नया केज है। अभी लोली कोसी बाहर है क्योंकि वो बहुत दोनों खुश हैं, उनके लिए एक नया फ्रेंड आया तो वो बहुत उतावली हो रही है और इसके साथ खेलने को कर रही हैं। तो अभी डेजी अकेले घूमेगी, केज देखेगी, और ये मैं अभी बैठ गई थी, अब वो हट गई। और अभी देखते हैं ये और क्या करते हैं शैतानियाँ जब इनको इकट्ठे छोड़ते हैं, तो बने रहना ब्लॉग में। और लोली कोसी को देखो, इनको बहुत मन है उसके साथ खेलने का लेकिन कुछ कह नहीं रही है, साइड पर बैठ गए हम। इसकी ग्रास भी मैं उठा के साइड पर कर देता हूँ डेजी की। तो ये देखो अब इकट्ठे तीनों चली गई हैं बहनें और करेंगी मस्तियाँ। ये आपस में भी मार कुटाई भी कर रही हैं थोड़ी, ये डेजी डर रही है, लेकिन हो जाएंगे थोड़े दिन में ठीक, 2-3 दिन में इनमें दोस्ती हो जाएगी। क्यों लोली, सही बात है ना। ये देखो अब ये डेजी को साफ करेंगे, कह रही हम भी साफ है, तू भी साफ हो जा हमारी तरह। ये देखो अब खारिश कर रही है, अभी थोड़ा बहुत लड़ भी रही है लेकिन हो जाएंगी ये और 1 घंटे तक कंफर्टेबल इकट्ठे। ये देखो डेजी डरती है इनसे। लोली कोसी डेजी, डेजी हेलो आ गई। यार देखो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी कि अभी जो भी नया गिनीपिग आता है तो वो 2 दिन तो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता। देख ही लो कि हमारी डेजी थोड़ी यूनिक आई है, ये पहले दिन ही लेट गई आराम से। और लोली कोसी के साथ इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है, मतलब थोड़ा वो थोड़ा मतलब उसको चेकिंग करती हैं ये, मतलब सूंघती वगैरह तो हल्का बहुत लड़ रही हैं, कल तक ठीक हो जाएंगी, तीनों फ्रेंड्स बन जाएंगी अच्छी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैंने ये डेजी कहाँ से ली, मतलब कहाँ से मंगाई या कहाँ से अडॉप्ट करी। पहले देख लो इसको कैसे बैठी हुई है लोली और डेजी दोनों, कोसी स्लीपिंग। तो ये है गुड़गांव में एक फार्म, चर्प्स एंड विसल करके, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट और वेबसाइट का लिंक सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उधर से घर बैठे अपना पेट मंगा सकते हो, वो ऊबर बाइक होती है, उस पर देने आए थे। मैंने बाइक वाले भैया को रिकॉर्डिंग करी क्योंकि मैं फटाफट जल्दी में नीचे गया हुआ था, तो मैंने फटाफट रिसीव की अपनी ये क्या नाम है इसका डेजी, और मैं डेजी को ऊपर ले आया। अब बस एक आधा दिन लगेगा डेजी लोली और कोसी की थोड़ी बॉन्डिंग होने में। देखो ये जब भी लोली इसके पास जाती है थोड़ी चीख मारती है क्योंकि लोली इसको पूरा चेक करती है। ये देखो लड़ रहे हैं लोली, नो, तो ये ठीक हो जाएगा इनका थोड़े दिन में।
तो अभी ये लोली ज़्यादा उसको लड़ रही थी, तो मैंने लोली को पीछे करा और जो पूरी ड्रेजन की नीचे मिल जाएगी। और ये बहुत मतलब अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमें गिनी पिग भेजा, और बहुत ट्रस्टेड इनका फार्म है। और ये बड़ी सारी चीज़ें भेजते हैं, ऐसे डॉग्स किटन्स तो सब कुछ मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो। ये देखो नो, तो यार अब हम इनको खाना दे रहे हैं। ये देखो ये छोटी बैठी कितना प्यार कर रही है हमसे। और गिनी पिग को अगर आपको अपने साथ टेम करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, उसको अपने हैंड से फीड करो। मतलब 15-20 मिनट लगाओ, उसको अपने हाथ से खाना खिलाओ, प्यार करो, तभी वो आपसे बॉन्ड बनेगा अच्छा। सो यार ये नेक्स्ट डे है, और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि रात हो गई थी और मैं सो गया था, बहुत देर नींद आ रही थी। और मैं आपको सबसे पहले मिलवा देता हूँ ये अपनी लोली, और मैंने इनके लिए नया डिज़ाइन बनाया डब्बे का, जिसमें हमारी सूर्य कोसी और डेजी इसमें, वो थोड़ा डर रही है। दिखा डेजी अपने आप को, कहाँ पे है तू डेजी, कहाँ है? ये देखो ये बैठी डेजी, और ये डेजी लोली के पास बैठी है। और अभी थोड़ा बहुत तो ये मतलब आस पास अपने इधर उधर मतलब आपस में घुल मिल चुके हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठे बिठा कर लेटस वगैरह खिलाई, सब्जियाँ खिलाई। तो जिसको भी देखना है कि अपने जो नया गिनी पिग गया उसको पुराने वाले के साथ टेम कैसे करें, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुछ भी नहीं करना, थोड़ी बहुत स्टेप्स हैं इसको फॉलो करने और आपके गिनी पिग आपस में फ्रेंड्स बन जाएंगे। और ये भी मैंने इनके लिए कुछ खाना मंगाया था नया, एक ये क्या बोलते हैं इसे पीफ्लेक्स, और ये पैलेट्स आपको पता ही है मैं पहले भी देता हूँ, और ये वाइप्स जो हमने मंगाई थी इनको साफ करने के लिए। कोशी तो वैसे इसकी फ्रेंड बन चुकी है, लेकिन लोली थोड़ा करती है अभी भी, मारती है, क्योंकि लोली ना इन सबसे बड़ी है और वो थोड़ा बहुत सुधारती रहती है। जब भी जैसे जो डेजी है उसके पास जाती है या उसके पैर वैर पर चढ़ती है, तो लोलू समझाती है एक दो दिन की और की वेट है और ये फ्रेंड बन जाएंगी। आज हमने लोली कोशी की जगह भी चेंज करनी है, ये वाली, ये देखो छोटा बाहर आ गया गोगू, और ये वाली जगह भी चेंज होगी, ये दोबारा उस वाले कमरे में चली जाएंगी, और केज भी बड़ा कर दूंगा क्योंकि अब 3 हो गई हैं ये। और सर्दियों में दोबारा मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि सर्दियों में ये वाला कमरा पूरा क्लोज होता है तो ठंड नहीं आती, और ये छोटे भी है ना फिर ठंड ना लग जाए इनको। ये देखो डर गई गोगू, अब ये देखो ये छोटा मेरी जेब में क्या गोद में बैठ गया, ये देखो कितना प्यारा है। ओए छोटी गोगू, अभी तेरा नया घर बनाएंगे हम गोगी। ये देखो इसके दांत भी कितने प्यारे हैं, दिखाइयो दांत अपने, अभी रो रही है, अगर ये दांत नहीं दिखाऊंगी। अब हम लोली कोसी का केज का ढांचा यहाँ ले आए हैं, और बस केज सेटअप करना है, तो चलो फटाफट करते हैं हम लोली कोसी को उनका दोबारा वाला पुराने वाले घर में शिफ्ट करते हैं। हमने लोली कोसी का नया घर बना दिया, लोली कोसी और गोगू। ये अभी हल्का हमने टीच किया ताकि इनको स्पेस मिल जाए अलग थोड़ी, ये अलग एक कमरा डाल दिया इनका, और ये गत्ते रख दिए, और इनके बेड बेड भी मैंने मंगा दिए हैं, जिससे ये कंबल का जो इनका रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, कंबल रखने की ज़रूरत तो नहीं होगी, बस हम बेड रखेंगे और ख़त्म काम। ये आ गया मेरा कोसू और लोलू, और इसमें है गोगू वगैरह, गोगू गोगू ये देखो खा रहा है लेटस। यार इस ब्लॉग में रखते हैं इतने, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय। और इस ब्लॉग का मैं जो आउटर है वो 2-3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना था अब, तो गोगू हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई, भागती भी नहीं है बेड पर, आते हैं इसको रखते हैं, तो वही मेरे को बस लास्ट में अपडेट देना था कि ये इकट्ठे मतलब रह सकते हैं, कि जैसे आपने 2 रखे यहाँ हैं और अब तीसरा अलग रहते तो वो लड़ते तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मतलब होता है लेकिन 3-4 दिन होगा वो थोड़ा बहुत मारेंगे लड़ेंगे, तो आपका उसमें कोई रोल नहीं, कुछ मत करना, लड़ लड़ के खुद ही दोस्त बन जाएंगे, जैसे गोगू हम सब की बन गई। तो ठीक है ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।